Hello student, welcome in standard 8th. Now we have to learn subject science, unit 1, crop production and management. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their own food themselves. Can you recall how green plants synthesis their own food? You have learned it in standard 7. Just recall it. Animals including humans cannot make their own food. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. एनिमल्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते तो वो फूड मिलता कहाँ से उन्हें. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिजम्स और कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच ए डाइजेशन रिस्पिरेशन एंड एक्सीलेशन. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एनिमल्स दोनों जगह से मिलता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. मतलब इतने सारे लोग हैं उन सबको फूड प्रोवाइड करना, उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट की, प्रॉपर रेगुलर प्रोडक्शन की और एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन से बांटना, ये कहा जाता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर होता क्या है? तो एग्रीकल्चर से ही हमें पता है कि वो खेती से रिलेटेड होता है. सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एन क्रॉप. क्या कहा जाता है उसे? जो प्लांट कल्टीवेटर मतलब उसको खुदाई करके एक जगह पर वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल एक जगह पर और बहुत बड़ी मात्रा में जिसे लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप. फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट. जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, वीट अगर हमने क्रॉप अगर ली है तो उसके पूरे जो फील्ड होगा वो पूरा सिर्फ वीट के प्लांट से भरा होगा. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक्स सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. इंडिया इज अ बेस्ट कंट्री. ओके सो दिस इज द क्रॉप पिक्चर गिवन इन द स्लाइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. हेयर इज वी सी दैट इंडिया इज अ वेरियस कंट्री. द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजियन टू another region. According there is a rich variety of crop grown in different parts of country. मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसपे कि क्लाइमेट का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल सबका इफेक्ट होता है, इसलिए उधर इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की क्रॉप होती है. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड देयर. मतलब ऐसा इतना बड़ा कंट्री है उसमें इतनी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग होती है तो इधर पर दो पार्ट कर दिए गए हैं क्रॉप प्रोडक्शन. सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज रबी क्रॉप. सो व्हाट इज द खरीफ क्रॉप? द क्रॉप विच आर शोवन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. पेडी मेज सोयाबीन ग्राउंडनट्स एंड कोकोनट सॉरी कॉटन आर खरीफ क्रॉप. ये सारे कैसे हैं? खरीफ क्रॉप हैं. जैसे कि आपको इसमें एक पिक्चर्स में दिया हुआ है. फर्स्ट पिक्चर इज अ पैडी जिसे हम धान कहते हैं. सेकेंड वन इज अ मेज मकाई. थर्ड वन इज सोयाबीन. फोर्थ वन इज अ कॉटन. यू नो द कॉटन. एंड सेकेंड वॉट इज द क्रॉप ऑफ रबी? द क्रॉप विच आर शोवन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप. द विंटर सीजन इन इंडिया अक्टूबर टू मार्च. एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप वीट पी ग्राम मस्टर्ड. हेयर आर द पिक्चर गिवन फॉर वीट ग्राम एंड मस्टर्ड. बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोवन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस. नेक्स्ट वन इज आवर टॉपिक इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाई
farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. Means ये सारी चीज़ें जो cultivation एक process है, जिसे आपने देखा हो आपके gardener को, या फिर आप खुद घर में कोई छोटा सा पौधा लगा रहे हो तो आपको वो cultivation यानी उसकी खुदाई करनी ही होती है, उसके बाद आप उसमें seed डालते हैं. Grow an ornamental plants in your house. This activity or task are referred to as agriculture practices. इसे क्या कहते हैं, मतलब cultivation करना, soil of preparation of soil, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी agriculture practices हैं, which are listed below. मतलब ये सारी basic practices of crop production में जो agriculture practices हैं वो आपको दी हुई है. So there is a agriculture practices, preparation of soil, shoving, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. There is next one is not exist here, it's a typing mistake. So these are agriculture practices. There is a given 7 agriculture practices. We have to continue this process. First of all, preparation of soil. Second one is sowing. Third one is adding manure and fertilizer. Fourth one is irrigation. Fifth one is protecting from weeds. Sixth one is harvesting. And seventh is storage. So we have to discuss it in detail one by one. First is preparation of soil. मतलब जब हम किसी भी पौधे को लगाते हैं तो उसके पहले उसकी प्रिपरेशन जरूरी है. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट. सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है, जो सॉइल है उसे टर्न करना और उसे लूज करना. दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल. द लूजन सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ एंड ईजीली. मतलब जो हम इस सॉइल को लूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि रूट जो है बहुत डीप तक जा सकते हैं, और सेकेंड वाली उनका ब्रीथ करना, मतलब जो सांस लेने की जो क्रिया है वो ईजीली हो सकती है. इवन वेन दे गो डीप इन टू द सॉइल, वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली. द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द soil. So this is the our. The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? You have learned in the science standard that microbes and earthworm are the friends of farmer, just because they microbes are present depend on trees or plants. Trees and plants provide a food to microbes, and microbes get the water and nutrients from the soil and take it to mix it with water and take it to the plants. So both are dependent each other, and this process is also in plants. So there is a question is why the soil needs to be turned and loosened. Hame ye kyun zaruri hai use turn aur loose karna. You have learned in the previous class that soil contain minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plants' growth. मतलब क्या है इसमें, इसके वजह से जो थोड़े सेंटीमीटर्स ही जो है सॉइल का वो उसे सपोर्ट करता है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए. टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप. इसलिए उस
बहुत ज़रूरी है उसको लूज और टर्न करना सॉइल को. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग. उसे हम क्या कहते हैं, टिलिंग या फिर प्लफिंग. दिस इज डन बाई यूजिंग अ प्लफ. प्लफ आर मेड ऑफ वुड और आयरन. वो वुड के यानी लकड़ी के या फिर आयरन के बने हो सकते हैं. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग. द प्लफ्ड फील्ड मे हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिकल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर. मतलब उसको लेवल करना, उसमें क्या हेल्प करता है, लेवलर. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लफ, होय एंड कल्टिवेटर. मीन्स क्या है कि इन सारी चीज़ों को जो भी हमें कल्टिवेट करना है या प्लफिंग करना है इसके लिए यूज़ होता है टूल्स, उसे हम क्या कहते हैं, प्लफ, होय एंड कल्टिवेटर. नेक्स्ट इज अ प्लफ. दिस इज बींग यूज सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. इन सारी चीज़ों के लिए ये क्या यूज होता है. दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाई द पेयर ऑफ पुल. ये क्या है, वुड का बना होता है और इसे मतलब खींचा जाता है किससे, बुल यानी बैल जो होती है उस एनिमल्स से और अदर एनिमल्स. इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर. क्या होती है उसकी ट्राइंगल स्ट्रिप होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लफ शेयर. प्लफ शेयर. द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लफ शाफ. देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ, द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बम बुल्स नेक. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लफ. क्या कर सकते हैं, वो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं प्लफ्स को. ओके, नेक्स्ट वन इज अ होय. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड उसके एक एंड पे होते वर्क्स लाइक अ ब्लेड. इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स. क्या है इसकी एक दी हुई है डायग्राम, हो है अपर साइड इज अ ग्रिप, हैंडल, बीम, रॉड एंड बेंड प्लेट. एक बेंड प्लेट है जो उससे हेल्प करती है वेट्स को निकालने में. तो दिस इज अ हॉय. थर्ड वन इज अ कल्टिवेटर. नाउडेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर. अभी किससे होता है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर से हम कल्टिवेशन करते हैं. द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. और वो किसे सेव कर रहा है, लेबर और टाइम. लेबर को हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं कल्टिवेशन के लिए और टाइम भी हमारा बच रहा है बाई कल्टिवेटर ड्राइवन बाई अ ट्रैक्टर. ट्रैक्टर की हेल्प से जो हम कर रहे हैं उसमें हमें हेल्प हो रही है. नेक्स्ट टॉपिक इज अवर शॉविंग है बट सिलेक्शन ऑफ सूट. सिलेक्शन ऑफ सीड्स में क्या दिया है, शॉविंग इन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप बिफोर सॉविंग. गुड क्वालिटी हेल्थी एंड क्लीन सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड. शॉविंग के पहले हम क्या करते हैं, सीड्स का सिलेक्शन करते हैं. और सीड्स कैसी होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और गुड वेराइटी की होनी चाहिए. फार्मर प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिवन हाई यील्ड. और फार्मर कैसी सीड्स को प्रिफर करते हैं, जो उन्हें बहुत ही अच्छी हाई मतलब बहुत ही हाई यील्ड यानी कि खेती प्रोवाइड करे, बहुत ही अच्छी फसल प्रोवाइड करे, तो वो ये यूज़ करते हैं. इन द योर बुक देर इज़ अ वन एक्टिविटी गिवन. टेक अ बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर. पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिल वेल. वेट फॉर सम टाइम.
आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, मीन्स उसमें हम डालते हैं, उसके बाद जो सीड्स हैं वो पानी के ऊपर रह जाती हैं, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। मीन्स क्या है कि वो सीड्स जो है उसकी वेराइटी किस तरीके से चेक करते फार्मर्स, तो वो पानी में सीड्स को डाल के और फिर चेक करते जो ख़राब या डैमेज्ड होती हैं जिसे इंसेक्ट्स वगैरह ने खा लिया होता, अंदर से वो खोखले हो गए होते हैं, वो सारे जो हैं वो पानी में फ्लोट हो जाते हैं, मतलब पानी में ऊपर तैरने लगते हैं। वो उसकी क्वालिटी कैसी होती है, बहुत ख़राब, वो ख़राब हो गई होती है सीड, तो उसे हटा करके जो नीचे बैठी होती हैं पानी में उसे फार्मर यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन, बहुत अच्छी प्रोसेस है ये। बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स। मीन्स क्या है कि सोविंग करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें सोविंग करने के लिए जो टूल चाहिए होते हैं उसके बारे में जानना। सो वी हैव टू लर्न अबाउट द टूल्स, ट्रेडिशनल टूल्स वॉट आर यूज इन सोविंग। ट्रेडिशनल टूल्स, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल, फनल के शेप का होता है जो कि नीचे दिखाया हुआ है। द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल, पास डाउन थ्रू द टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड, उसका शार्प एंड होता है उधर पर। दिस एंड्स पियर्स इन टू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और वो क्या करती हैं जो सीड्स होते हैं उसे वहाँ पर प्लेस करती हैं, इन टू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, सॉइल में जो सीड्स हैं उसे प्लेस करती हैं, फनल से जाती हैं और उसके अंदर पास्ट होकर के वो सीड्स को जो है सॉइल में प्रोवाइड कर देती हैं। नेक्स्ट वन इज सीड ड्रिल, इसे क्या कहते हैं हम, सीड ड्रिल। नाउडेज द सीड ड्रिल इन दिस फिगर गिवन इज यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, किसकी हेल्प करते हैं, इसको हम ट्रैक्टर में पीछे लगाते हैं। दिस सोस द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर शोविंग, दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बींग ईटन बाय बर्ड्स, शोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। मीन्स क्या दिया हुआ इसमें कि जो हमारा ऊपर का टूल था एक, ठीक है, इसके पहले जो टूल हमने दिखाया था आपको जो कि सीड्स को डालता है उसमें सॉइल में, उसमें क्या होता है कि वो ट्रेडिशनल मेथड है सोविंग की, ठीक है, फनल के अकॉर्डिंगली होता है, वो फनल से हम उसे सीड्स को डालते हैं। बट सीड ड्रिल्स में क्या है कि वो ट्रैक्टर का यूज़ होता है और वो ऐसे सीड्स को डालता है कि वो इक्वल डिस्टेंस पर डालेगा एंड नेक्स्ट वो चेक भी कर, उसमें ऊपर से है ना सॉइल भी डाल देता है ताकि है ना कोई बर्ड सीड्स को ईट ना कर सके और उस अच्छे से ढक जाए इसलिए। और जो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है फनेल वाले, उसमें हमें खुद अपने हाथों से उसे ढांकना पड़ता है सॉइल से सीड्स को। और इस सीड ड्रिल्स में क्या है कि हमारा जो लेबर का जो खर्च है वो और टाइमिंग दोनों ही बच रहे हैं। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ शोविंग। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। मीन्स क्या है कि इक्वल डिस्टेंस पे हम अगर अपनी सीड्स डाल रहे हैं वो हमें ज़रूरी है ताकि हमारा जो क्रॉप हमने लगाया है वो ओवर क्राउडिंग, मतलब एक के ऊपर एक ना हो जाए, इसलिए इक्वल डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। दिस अलाउज द प्लांट्स, ये क्या करती है, ये अलाउ करती है प्लांट्स को टू सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट, अलाउज सफिशियंट सनलाइट, क्या अलाउ करे, सफिशियंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। एट टाइम अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, और कुछ प्लांट्स को हमें रिमूव करना पड़ता है उसके ओवर क्राउडिंग के वजह से। देन फिर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जब हमने पहले उसको सॉइल को लूज कर लिया, फिर सीड्स को डाल दिया, सीड ड्रिल्स या फिर फनल्स की हेल्प लेकर के सीड्स को डाल दिया, अब उसके बाद का मेन क्या है, सो नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसमें क्या ऐड करना है आपको, मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र। मैन्योर क्या होता है, खाद होती है, फर्टिलाइज़र भी खाद होती है, बट ये मैन्योर जो है वो
रासायनिक खाद नहीं होती है, केमिकल वाली नहीं होती है, और जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, केमिकल युक्त होती है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। वो क्या करती है, फर्टिलाइजर क्या है, एक केमिकल है जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलोड। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब बार बार उसका कल्टिवेशन करते रहना तो उसमें क्या होता है, जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स कैसे हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, इसलिए उसमें मैन्योर की ज़रूरत होती है ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, इम्प्रॉपर अगर हुआ तो वो हमें वीक प्लांट्स देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्टेज। फार्मर्स डम्प्स प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन स्टैंडर्ड 7। ओके, मैन्योर कैसे बनता है, तो वो तो जो काउ डग या फिर बफेलो डग से वो फिर लीव्स जो होती हैं हमारी गिर जाती है सूख करके, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये सारे सूख जाते हैं, तो उन सबको रख कर और डैमेज कर कर उसे पूरी तरीके से ख़राब करके हम फिर उसे मैन्योर रेडी करते हैं। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। तो ये अब आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 1.2 में, आपको उसमें प्लांट लगाने हैं और फिर ऐड करके देखना है कि क्या क्या हो रहा है, मतलब किसी किसी में आपने डाला है मैंने और किसी में नहीं, आपकी बुक में दिया है, यू हैव टू रीड एंड डू द एक्टिविटी 1.2। ओके, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड और ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट पैडी एंड मेज। इसके लिए फर्टिलाइजर यूज होते हैं, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टिलाइज, मतलब ज़्यादा अगर यूज़ हो गया तो फिर वो क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, उसके वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है फर्टिलाइजर्स की वजह से। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। दो क्रॉप्स के बीच में अनकल्टिवेटेड रखना चाहिए हमें, और सबसे मेन है कि क्रॉप रोटेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्रॉप का रोटेशन करते रहना, हमेशा एक ही क्रॉप नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्स्ट वन इज फर्टिलाइजर इज अ मेन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये क्या है, मेन मेड है जो कि इनऑर्गेनिक है। एंड मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग एंड प्लांट रिसाइड्यूस, मतलब ये क्या है, जो ये कैटल डग्स और प्लांट की जो सड़न होती है उससे होते हैं, और ये मेन मेड है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ प्रिपेयर होती है, फैक्ट्रीज में होती है, जबकि मैन्योर कहाँ होती है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करती है, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड पोटेशियम, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, वो लेस होती है और ये बहुत रिच होती है, मतलब प्लांट उसके वजह से बहुत जल्दी से बड़े तो हो जाते हैं, बट वो जो सॉइल को अफेक्ट करती है फर्टिलाइजर, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है।
नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. मैन्योर के एडवांटेज क्या है? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर. दिस इज बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग की, वो बढ़ती है. इट मेक्स द सॉइल ट्रोफ ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी. इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं. इट इम्प्रूव्स द टेक्स्चर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल का टेक्स्चर जो है वो भी इंक्रीज करती है.